बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये जा रहा है जी हिरन, हिरन आपको दिखाऊं बहुत फास्ट। तो चला गया, पता नहीं किधर से आया, अभी गैब हो गया। तो मेरी गाड़ी मैंने स्लो कर ली। ये साइड अभी आज मैं इस साइड पे जा रहा हूँ उमेनाथ, और उमेनाथ में हमारा चल रहा है काम ब्लॉक वर्क्स, इसके बाउंड्री वॉल के जो ब्लॉक हैं वो लगा रहे हैं होलो ब्लॉक। तो उसमें बीच में मैं एक वीडियो नहीं दिखा सका जो कि थी विटामिन्स और इसकी टाई बीम की, तो मैंने दिखाई थी। और उसके बाद में फिर उसकी ओपनिंग के लिए भी जब गए तो उसके बाद जो विटामिन्स का काम था, विटामिन पेंट वो लगाना था, तो वो मैं नहीं दिखा सका। रमज़ान में डेली नहीं आ सकते इधर, कभी बाई चांस मेरा चक्कर लगता है। तो आज जो मैं इधर आया हूँ तो इसकी ब्लॉक का, मैंने कहा ब्लॉक्स लग रहे हैं, उसकी बाउंड्री की हाइट भी बताऊंगा आपको कि कितनी हाइट रख रहे हैं हमें। तो ये जी सीमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, इसका ओपीसी उमल क्वीन का ये सीमेंट है, अच्छा है। शारजा से थोड़ा सा इसकी क्वालिटी लो है लेकिन ठीक है, इसकी प्राइस सेम है शारजा के सीमेंट के। और ये ब्लॉक पड़े हैं जी होलो ब्लॉक 8 इंच के, 20 सेंटी बाई 40 सेंटी का ब्लॉक ये। और यहाँ से भी बैक साइड में भी एक टीम लगा रही है और एक टीम विला के लेफ्ट साइड में। तो ये फ्रंट साइड में भी ब्लॉक्स जितने लगने हैं उस हिसाब से क्वांटिटी कुछ रख दी है यहाँ पे। तो ब्लॉक भी अच्छी क्वालिटी के आए हैं, इसकी कंपनी भी मैं आपको शो करता हूँ कि कौन सी कंपनी के ब्लॉक हैं। और ये स्टिकर लाजम चाहिए होता है जी, साइड में बल्दी है, किस टाइम में भी आगे चेक कर सकती हैं। ये देखें, तो ये बल्दिया के अप्रूव्ड है ब्लॉक, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे काम है वो लाजम जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड वो उससे अप्रूव्ड होना ज़रूरी होता है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी? ठीक है, खैरियत है? तो इसकी जो अभी इसमें तकरीबन हमारी 11 लेयर आ रही हैं इसकी ब्लॉक्स की, आप देख रहे हैं कि अभी, और ये 2 मीटर 30 सेंटी तक ब्लॉक्स जो हैं वो लगा दी हैं। ये अभी ये साइड तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे अभी फाइनल ये अभी एक लेयर ऊपर की रहती थी वो लगा रहे हैं। और इसके ऊपर 20 सेंटी आएगी कंक्रीट कोपिंग इसका, तो ये हो जाएगा 250, यानी 230 तक हमारे ब्लॉक आ रहे हैं। तो 1 सेंटी 2 सेंटी अगर नीचे या ऊपर हो तो उसका इशू नहीं है, लेकिन ये कि बाद में जो उसकी हाइट है वो उसमें बिल्कुल लेवल में आएगी जो इसकी कोपिंग बीम है, उसमें कभी वो अगर 22 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है, यानी 1 सेंटी 2 सेंटी ऊपर नीचे उसमें एडजस्ट हो जाएगा कोपिंग बीम में, ऊपर जो इसकी कंक्रीट हमने करनी है टॉप में। तो ये बैक साइड का इसका एरिया भी रहता है, यहाँ पे भी इन्होंने शुरू किया हुआ है इसको क्लीन, यहाँ से इन्होंने करना था थोड़ा सा, यहाँ से ये यह आया, असल में बैक फिलिंग की है ना शेवल ने, रैंप बनाया हुआ था। तो ये इसका मिक्सचर इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे साइड में। कितनी साजी डाल रहे हैं, कितने अरबाने में कितनी बोरी डाली सीमेंट, कितने अरबाने? अच्छा, तो हमें बोला गया कि थोड़ा सीमेंट ज्यादा रखें। अच्छा, डेढ़ अरबाने में एक बोरी? नहीं, दो अरबाने के अंदर एक बोरी। दो अरबाने में एक बोरी, तो इसमें आपका एवरेज डेढ़ अरबाना, यानी ये ट्रॉली जो है 1.5
और एक सीमेंट का बैग यानी डाला बीच में। अच्छे यानी कि आपने, वैसे तो तीन एक का मसाला लगाते हैं लेकिन हाँ, लेकिन चलो अच्छा है। दो 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 पूरा और आधा हम लोग बनाते हैं दूसरी साइड में। अच्छा अच्छा, तो हमें जो यहाँ पे लेके आया सर काम के ऊपर। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है भाई, दो के अंदर आप लोग एक डालते हो तो थोड़ा आधा और डाल दिया अपना चार अरबाने में। नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा मजबूत होएगा ना, बाउंड्री है ना क्योंकि। हाँ नहीं नहीं बड़ा अच्छा किया, क्योंकि इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जो क्वालिटी है सीमेंट की। और इस तरह सीमेंट थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाएगा लेकिन ये है कि काम मजबूत होगा। तो ये इस साइड में काफ़ी ब्लॉक टूटे हुए हैं, ये इससे चावल से गिराए हैं ना तो काफ़ी टूटे हुए भी। तो इस साइड में ये ब्लॉक्स हैं, इनके पास नज़दीक ही पड़े हुए, यहाँ पे ये कि उठा के लगाने इनके लिए ईजी रहता है। तो अच्छे हाँ जी जी बिल्कुल, वो चावल से दूसरे आदमी आए थे वो ग्राहक। तो ये इनकी हाइट इसकी आ रही है 230 तक, तकरीबन 11 आपकी लाइनें आ रही हैं। हाँ तो ये 230 तक इसकी हाइट आ जाएगी, ऊपर 20 सेंटी ऊपर कॉपिंग बीम आ जाएगा तो ये कंप्लीट है। इसकी 250 हाइट है तो ये इसका तकरीबन एक साइड इसकी कंप्लीट हो गई है इसकी। और उसके बाद में अभी बैक साइड में स्टार्ट किया हुआ है और ये तकरीबन अभी 2 से 3 दिन और इसके लग जाएंगे ब्लॉक्स के। ब्लॉक्स का जो काम है वो 3 दिन से भी, यानी कि ये तकरीबन अभी तो हमारे पास कोशिश है हमारी कि ये अभी ईद आ रही है रमज़ान के आखिरी, यानी कि चार दिन रह गए हैं और इसमें इससे पहले इसको ख़त्म करें, लेकिन नहीं होगा तो ईद के 2-3 दिन बाद तक इसको काम को, बीच में ईद की 1-2-3 छुट्टियां आ जाएंगी तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने इस साइड में जो दो लगे हुए उस्ताद और एक हेल्पर, और ये इन्होंने इधर बनाया हुआ अपना मसाला और वो साइड में उन्होंने बनाया हुआ जी। तो ये था इसका प्रोसेस ब्लॉक वर्क का, ब्लॉक वर्क का मैंने कहा आपसे शेयर करें जो अभी चल रहा है। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।